जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में खान सर का एक वीडियो क्लिप कोरोना वायरस से भी ज़्यादा फैल चुका है, जिसमें वो अपना नाम अमित सिंह बताते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से वो अपना नाम अमित सिंह बता रहे हैं, उसे साफ साफ पता चलता है कि खान सर ये बात मजाक के मूड में बोल रहे हैं। ऐसे पूछता था, सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे GST। तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर, तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। खान सर के अमित सिंह वाले इस मजाक को अगर आप लोग सच मान रहे हैं, तो खान सर से थोड़ा उनके बचपन की कहानी भी सुन लीजिए। हम छोटे थे, पता मतलब क्या बताए, तो हम पढ़ने गए थे उर्दू अरबी पढ़ने। तो एक मौलाना साहब बताए, होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलते हैं, हम भी खेले। करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे काहे, कहे कि नरक में जाएगा तुम। इस कहानी को सुनने के बाद भी अगर आप लोग खान सर को अमित सिंह मान रहे हैं, तो खान सर से एक और कहानी सुन लीजिए। लाइफ में कभी कभी बड़ा मोड़ लेता है। हम जब पटना आए थे, मकान में रहने गए ना, तो उन्होंने मकान दिया। बाद में जब हमने आधार कार्ड दिया, तो उन्होंने हमारा मकान खाली कर दिया, कहने कि हम मुस्लिम को नहीं देते। इस कहानी को सुनने के बाद भी अगर आप लोग खान सर को अमित सिंह मान रहे हैं, तो खान सर से एक और कहानी सुन लीजिए। हम आपको अपने साथ हुए घटना को बताते हैं। हम पटना में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें भाग लेने के लिए बुलाया गया था। जब हम स्टेज पे गए, तो एक भाई साहब थे, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ उनका। वो जैसे हम स्टेज पे चले, वो माइक लेके कहने लगे कि आप इसको क्यों बुला रहे हैं, मियाँ है ये, मियाँ है, आतंकवादी है, मियाँ है। अजब हाल है भाई साहब, हमको बड़ा बेइज्जती महसूस होने लगा। हम अपने आप को बहुत कंट्रोल किए। फिर हम उनसे कहे कि इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई साहब, हमने भी बहुत सुना है लोगों से, और ऐसा हमको भी लगता है कि आप अपने पड़ोसी की औलाद हैं। हम उनसे कहें कि आप साबित कीजिए कि हम आतंकवादी हैं। यदि आप साबित कर देंगे, तो हम भी ये साबित कर देंगे कि आप नजायज औलाद हैं। इन सारे कहानियों को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि खान सर का असली नाम अमित सिंह है, तो मेरा यकीन कीजिए, आप चूतिया हैं। वैसे खान सर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उसमें आपको एक पोस्टर नजर आएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है सरस्वती पूजा, और उसके नीचे लिखा हुआ है खान GS रिसर्च सेंटर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। खान सर की अपनी मर्जी है, वो अपने कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ सरस्वती पूजा मनाए या रक्षाबंधन मनाए। लेकिन खान सर अगर मुसलमान नहीं होते, तो सरस्वती पूजा मनाने पर खान सर को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि सरस्वती पूजा बैठाने को लेकर के या पूजा करने को लेकर के आपके ऊपर बम भी चला था। क्या सही है, ये सही बात है? हाँ सही बात है। इसमें तो FIR वगैरह सही हुआ ही था। यहाँ पटना कदम कुआं थाना में लोगों ने कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना भीषण बवाल हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। अब जब बम चलने लगा था, तो मतलब वो माहौल ही अलग हो गया। क्या बताएं, बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग रहते। अब तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अमित सिंह खान सर का असली नाम है या फर्जी नाम है। अब बात करते हैं खान सर के उस वायरल वीडियो के बारे में, जिसके आधार पर कुछ लोग खान सर को मुस्लिम विरोधी बोल रहे हैं। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे हैं मुसलमानों से हिंदू लोग, शिक्षा के मैटर 100 साल। मुसलमान शिक्षा के मामले में हिंदुओं से 100 साल पीछे है। कुछ लोग इस बात पर खान सर को मुस्लिम विरोधी बोल रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि भारतीय मुसलमान शिक्षा के मामले में दलितों से भी बदतर है। लेकिन इस बात पर खान सर का विरोध या खान सर को मुस्लिम विरोधी बोल देने से यह सच्चाई बदल नहीं जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं खान सर के उस दूसरे वायरल वीडियो के बारे में, जहां से ये सारा बवासीर शुरू हुआ और खान सर को मुस्लिम विरोधी और अमित सिंह भी कहा गया। ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लोग तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौरा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा है बेचारा ये है। खान सर ने पाकिस्तान फ्रांस के रिलेशन को लेकर एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो क्लिप उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे वीडियो में खान सर ने पाकिस्तान फ्रांस के रिलेशन और पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने के लिए हो रहे प्रोटेस्ट के फायदे और नुकसान को बहुत आसान भाषा में समझाया है, और साथ ही इस प्रोटेस्ट में छोटे बच्चों का शामिल होना क्यों गलत है, ये भी खान सर ने अपने तरीके से समझाने का कोशिश किया है।
ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। जाहिर सी बात है, जब इतने छोटे से बच्चे को इनके घर वाले ऐसे गंभीर राजनीतिक मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने के लिए भेजेंगे तो ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनने के बजाय पंचर ही साटेगा या उसी लेवल का कोई काम करेगा। आप ज़रा सोच के देखिए कि ये बच्चा किसी लोकल या नेशनल इशू पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल इशू पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट की उसको कितनी जानकारी होगी। और आप ज़रा सा ये सोचिए कि क्या अगर इसके जगह पर आप होते और आपका 5-6 साल का बच्चा होता तो क्या आप उसे आप ऐसे प्रोटेस्ट में खड़ा करते? इस बच्चे के हाथ में किताब होना चाहिए लेकिन इसके हाथ में प्रोटेस्ट का डंडा है, तो ऐसा बच्चा क्या होगा? बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा या बढ़िया आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, ये तो पंचर ही साटेगा। और खान सर ने भी यही बात कहा। और एक और बात ज़रा सा हमको बताइए कि इस बात को कहने पर कुछ लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी और इस्लाम विरोधी कह रहे हैं। ज़रा सा ठंडे दिमाग से ये सोच के देखिए कि इन बच्चों के प्रोटेस्ट में शामिल होने का विरोध करना मुसलमानों का विरोध करना कैसे हो गया या इस्लाम का विरोध करना कैसे हो गया। इसलिए आप लोगों से बस यही कहेंगे कि जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, कृपया एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और रही इन बच्चों के प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात, तो वो गलत है, खान सर के हिसाब से भी गलत है और मेरे हिसाब से भी गलत है। अगर आपके हिसाब से सही है तो क्यों सही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कोई लड़का मेरे कोचिंग से फीस के गरीबी के वजह से नहीं जा सकता, आज भी वो हैंडीकैप हो, गरीब हो, मेरे यहाँ पढ़ेगा फ्री। बहुत से लड़के दिन में वेटर का काम करते हैं, रात में कभी कभी बड़े बड़े होटल्स में वहाँ काम करते हैं, मेरे यहाँ के पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास खान सर है।